दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैमसंग के अनदर मॉन्स्टर की यानी कि M51 की, जो कि आज अमेज़न की वेबसाइट पर टीज हो गया। कैसा है ये फ़ोन, क्या खास फीचर्स के साथ आता है, क्या हैं इसके स्पेसिफिकेशंस, क्या ये OnePlus Nord को कम्पीट कर पाएगा, जानेंगे सब कुछ इसी वीडियो में। सो हे गाइस, मैं हूँ रेयान, आप देख रहे हैं टेक्नो रेयान। दोस्तों लीक्स की माने तो सैमसंग M51 सैमसंग की एम सीरीज़ का अब तक का सबसे बेस्ट डिवाइस हो सकता है। बात करें डिज़ाइन की तो ये सैमसंग M31S की तरह ही होने वाला है। फ्रंट में सुपर एमोलेड इन्फिनिटी और डिस्प्ले पंच होल कैमरे के साथ आएगा। बात करते हैं बैक डिज़ाइन की तो हमें सैमसंग M31S जैसा ही बैक देखने को मिलेगा, क्योंकि ये ग्लास्टिक बैक होगा जो एक्चुअल में होता प्लास्टिक है बट ग्लास की तरह शाइन करता है। अब दोस्तों बात करें इस फ़ोन के सबसे बड़े की हाईलाइटिंग फीचर की तो वो है इस फ़ोन की बैटरी। जी हाँ, इस फ़ोन में आपको 7000mAh की ह्यूज बैटरी देखने को मिलती है। अगर इस बैटरी को हम बैटरा कहें तो वो ज़्यादा बेटर होगा। अब अगर बात करें इस फ़ोन की चार्जिंग स्पीड की तो इस फ़ोन में हमें 25W की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलेगी जो टाइप सी पोर्ट के साथ आएगी, जो रिवर्स चार्जिंग को भी सपोर्ट करेगी। ऑब्वियसली यार 7000mAh की बैटरी है, पावर बैंक की तरह तो काम करेगी और रिवर्स चार्जिंग को सपोर्ट तो करेगी। अब दोस्तों बात करें इस फ़ोन के एक और की हाईलाइटिंग फीचर की तो जी हाँ, इस फ़ोन में मिलता है आपको स्नैपड्रैगन 730G, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। सैमसंग यूज़र्स की हमेशा से डिमांड रही थी कि सैमसंग अपने फ़ोन में स्नैपड्रैगन चिपसेट के साथ आए, तो लगता है प्रभु ने उनकी सुन ली। इस फ़ोन में आपको 730G ही देखने को मिलेगा जो कि एंड्रीनो 618 GPU के साथ मिलेगा। सो इस फ़ोन में गेमिंग एक्सपीरियंस आपका बहुत कमाल का होने वाला है। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फ़ोन के डिस्प्ले की तो नो डाउट इस फ़ोन में भी आपको बाकी एम सीरीज़ की तरह ही सुपर एमोलेड इन्फिनिटी डिस्प्ले देखने को मिलेगा जो कि फुल HD रेजोल्यूशन के साथ आएगा। बात करें इसके स्क्रीन साइज़ की तो इस फ़ोन में आपको 6.67 इंच की एक बड़ी स्क्रीन मिलेगी जो कि सिनेमेटिक व्यूज़ के लिए काफ़ी बेटर है। दोस्तों बात करें इस फ़ोन के कैमरा की तो इस फ़ोन में हमें क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा जो हमने M31S में देखा था। सोनी IMX682 सेंसर के साथ आता है इसका प्राइमरी कैमरा और फ्रंट में आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलेगा। अब दोस्तों फोटोग्राफी एक्सपीरियंस भी आपका काफ़ी कमाल का होने वाला है। आप फ्रंट और रियर दोनों से 4K में शूट कर सकते हैं। अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो ये आपके लिए काफ़ी बेटर फ़ोन हो सकता है। बाकी कैमरे की डिटेल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों बात करें इस फ़ोन के सिक्योरिटी फीचर्स की तो फ़ोन में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर, फेस अनलॉक, फ़ोन में आपको डेडिकेटेड सिम स्लॉट देखने को मिलता है यानी कि इस फ़ोन में आप 2 SIM और एक अपना मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। फ़ोन में आपको 60Hz का रिफ्रेश रेट मिलेगा। दोस्तों लीक्स की माने तो ये फ़ोन 2 कलर वेरिएंट्स में अवेलेबल होगा, ब्लैक कलर एंड वाइट कलर। और दोस्तों बात करें इस फ़ोन की प्राइसिंग की तो 6128GB वेरियंट की प्राइसिंग होगी 23999। और बात करें इस फ़ोन की लॉन्चिंग की तो INS की रिपोर्ट के मुताबिक ये फ़ोन सेप्टेम्बर के 2nd week और 10th September को लॉन्च हो सकता है। सो दोस्तों ये थी डिटेल सैमसंग M51 की। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि मैं रोज़ाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूँ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ़।